आज मैं बनाऊंगा हाई प्रोटीन सैलड। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कितना वेट लॉस कैसे किया, तो मैंने सोचा मैं वेट लॉस की एक सीरीज स्टार्ट कर देता हूं और अपनी रेसिपी बताता हूं कि वेट लॉस करते हुए कैसे मैंने क्या क्या खाया और मैं अब तक 50 किलो वेट भी कम कर चुका हूं। तो इसमें मैंने लिए चने जो कि मैंने रात को भिगो दिए थे, काले चने हैं ये भाई साहब, बहुत ही हेल्दी होते हैं ये काले चने। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। मैंने लिए खीरे और ये एवोकाडो, बहुत हेल्दी होता है ये भी, और धनिया, पालक और ये एक सीजनिंग आती है एवोकाडो की, ये ऑप्शनल, डालना तो डाल लो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं है। साथ में मैं लिया चाट मसाला और काला नमक, और ये मेरी एक घर की सॉस है। आप लोग वेट लॉस करते हो पता क्या गलती करते हो, केचप डाल लेते हो या मेयोनीज डाल लेते हो, उस सॉस तो एक चम्मच डली है, थोड़ी बहुत डली है, लेकिन कभी उसके जो पैकेट पे लिखा था वहां पे पढ़ना एक चम्मच में आपको 200 से 250 कैलोरीज मिलेगी, मतलब एक से डेढ़ रोटी खा सकते हो आप जितने में एक चम्मच वो सॉस खाते हो। तो इससे बढ़िया अपनी घर की बनाई प्याज टमाटर की मैंने सॉस बनाई हुई है, इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, या तो आप ओपन में उबाल सकते हो, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो मैं प्रेशर कुकर का यूज करूंगा और इनको 5-6 भी चलाने तक इसको मैं रख लूंगा। ये हमने अपनी जो सारी चीजें थी पहले ही काट के रख ली हैं। तो अब मैं चने देखता हूँ, मेरे चने पक गए होंगे। चने बिल्कुल पक गए हैं हमारे, चने मैं इसमें डाल देता हूँ जो एवोकाडो था जो मैंने पहले ही काट लिया एवोकाडो, टमाटर, प्याज, खीरा और ये पालक के पत्ते, इसके बाद ये है एवोकाडो सीजनिंग जो कि मैंने वॉलमार्ट से ली थी, ये ऑप्शनल है आपको डालने डाल सकते हैं, मुझे इसके साथ काफी अच्छा टेस्ट आता है तो मैं डाल लेता हूँ। साथ में मैं डाल लेता हूँ काला नमक, मैं इसमें व्हाइट नमक यूज नहीं करता क्योंकि जो काला नमक है ना वो बहुत ही हेल्दी रहता है एज कम्पेयर टू व्हाइट नमक के, और इससे हमारा बीपी भी नहीं बढ़ता। मोस्टली फूड में भी काला नमक ही ट्राई करता हूँ अपना। चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब डाल देता हूँ ऊपर से मैं धनिया, सिलेंट्रो, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और जो लास्ट में जाएगी अब हमारी ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारी जो सॉस, जैसे आप केचप डालते हो या कोई भी सॉस डालते हो, तो ये मैंने घर पे बनाई है प्याज टमाटर की जो है उसको बॉयल करके मैंने उसकी चटनी बनाई है, और इसकी रेसिपी आपको देखनी है तो मेरी पनीर की एक मैंने डिश बनाई हुई उसके अंदर मैं इसको सेपरेट भी डाल दूंगा, इसको आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसमें सारे मसाले भी ऐड किए हुए हैं और बहुत लो कैलोरीज है, तो इसको मैं थोड़ी सी डालूंगा, बाद में टेस्ट करके अगर और जरूरत होगी तो मैं और डाल दूंगा इसको, तो इसको अच्छे से मैं मिला लूंगा। बहुत ही मस्त भाई, चाट मसाले का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और खट्टा पसंद है तो इसमें नींबू और डाल लो आप। बोलते ना बिल्कुल लाजवाब टेस्ट, हेल्दी। मैं तो करता हूँ इसको फिनिश और करता हूँ वीडियो को यहीं पे एंड।